हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे थे कि सोल के अंदर जो भी घटना घटेगी या जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो देखिए, सोल के अंदर जैसा कि आप सभी को पता होगा प्रोटेस्ट होते रहते हैं, खैर बट एक प्रोटेस्ट दोबारा हो चुका है सोल के अंदर। और ये जो प्रोटेस्ट है ये आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए हुआ है। जी हाँ, SOL बिल्डिंग में DU नॉर्थ कैंपस पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है, यानी प्रोटेस्ट किया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा पिछला प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें AB और ER के लिए स्टूडेंट गए थे बड़ी तादाद में, और इस बार भी एक और प्रोटेस्ट SOL के अंदर अब स्टार्ट हो चुका है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये मंगलवार के दिन हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट हुआ क्या है, क्या रिजल्ट रहे इस प्रोटेस्ट के, क्या कुछ बेनिफिट SOL के स्टूडेंट को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर कई बड़े बड़े संगठनों का हाथ था, जैसे कि आपके जो भी संगठन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो इस प्रोटेस्ट में मेन मांग जो की गई है वो है आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करने की। जी हाँ, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन्ड किया जाए। ऐसा क्यों बोला गया है वो मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको सोल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट क्यों ना हो, क्योंकि ये भी जानना स्टूडेंट का राइट है कि क्या हो रहा है वहाँ, क्योंकि आप तो घर पे रहते हो बट हम आप तक न्यूज़ पहुँचाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जैसे कि आप सभी को पता होगा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो नवंबर और दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, SOL के भी, रेगुलर के तो होंगे ही पर SOL के भी। बट इसके रिगार्डिंग कई स्टूडेंट की ये शिकायत थी कि सर हमें तो अभी स्टडी मटेरियल मिला भी नहीं है, ना हमारी क्लासेस हुई। सही बात है, अभी अभी तो आपने रिजल्ट निकाला है, हमें तो 2 महीने का टाइम तो आपने दिया ही नहीं। सही बात है, एक बार बताइए रिजल्ट आपका अभी अभी आया है ना नवंबर में, और इतनी जल्दी आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो कैसे स्टूडेंट मैनेज करेगा। तो इसी को लेके SOL के जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो SOL बिल्डिंग पे गए और उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने ये मांग करी क्लासेस नहीं हुई, स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो एग्ज़ाम आप कैसे ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कहूँगा कि अभी तो रिजल्ट आपने निकाला उसके, और रिजल्ट निकालते ही आप एग्ज़ाम ले रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अभी स्टूडेंट रेडी भी नहीं है, एडमिशन का प्रोसेस आप देखिए, एडमिशन का प्रोसेस भी SOL के स्टूडेंट नहीं कर पा रहे, कहीं पेमेंट फेल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारी मांग जो संगठन है उन्होंने एक लेटर लिख के दिल्ली SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो प्रिंसिपल है, जो पांडे सर है, उनको दिया है, और उनसे ये मांग करी है कि या तो आप इन एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 10 से 20 दिन बाद ले लीजिए जब तक सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो जाता, वरना इनको फिलहाल इस साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। यानी कहीं ना कहीं SOL के अंदर एक और प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल गया है, और ये प्रोटेस्ट आपके एग्जामिनेशन को लेकर, ये थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर। सही बात है, रेगुलर वालों को तो पहले रिजल्ट आ चुका है, अब इनका तो इसी महीने आया है, और हाल आप ये एग्ज़ाम भी ले रहे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट अभी रेडी नहीं है। मांग ये की गई है एग्ज़ाम आप लीजिए, बट अभी सोच समझ के लीजिए, ठीक है। क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, देखिए इसके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ अब प्रेशर बनाया जा रहा है जैसे पिछले साल बनाया गया था। पिछले साल भी ऐसे ही था, हाई कोर्ट गए थे और वहाँ से स्टे ऑर्डर लिया थे एग्जामिनेशन के ऊपर, और एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन हो गए थे। क्या इस बार भी पोस्टपोन होंगे, चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अब प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर, यानी सेकेंड और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम को लेकर SOL के जो स्टूडेंट है। अगर पोस्टपोन होते हैं तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम होते एडमिट कार्ड आता वो भी मैं अपडेट करूंगा, बट ये न्यूज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि SOL के अंदर प्रदर्शन आपके लिए हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, ना उनकी क्लासेस हुई, और हुई भी ऑनलाइन उनको जल्दी ख़त्म कर लिया गया, स्टूडेंट को पता ही ना चला। दूसरा, रिजल्ट से पहले ही क्लासेस क्यों ले ली, और रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने का टाइम देना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो देखते हैं आने क्या होता है, बाकी पत्र तो सौंप दिया इन्होंने, और देखते हैं क्या फैसला SOL लेती है। बाकी ये अपडेट आपको कैसी लगी, चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा, ये जो न्यूज़ है हिंदुस्तान के अखबार में छपी हुई है, आप पढ़ सकते हो आज का अखबार, ठीक है। तो बाकी आज के लिए नहीं, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। फर्दर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।